Good morning, children. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Education Foundation. So today our next topic is television program process. अभी आप ये चैप्टर पढ़े चैप्टर 16, that is television program production. इसमें सेकेंड टॉपिक हमने लिया है टेलीविजन प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? जैसे आप खाना बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. पहला वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, नाइफ एंड व्हाट एल्स, यूटेंसिल्स, स्टोव और गैस एंड मेनी मोर थिंग्स, वाटर, ऑयल, एवरीथिंग. उसी तरीके से जब एक प्रोग्राम बनाया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इक्विपमेंट्स आर यूज और रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, सो द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैमरा, जिससे शूट होता है. जैसे मैं अभी आप पढ़ा रही हूँ आपको, ऑनलाइन मेरी वीडियो बन रही है, तो अगर कैमरा नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कैप्चर करना मुझे, ठीक है, मुझे रिकॉर्ड करना. तो सेम चीज़ है कैमरा. कैमरा नहीं है तो प्रोग्राम बन ही नहीं सकता. वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, सब अपना रोल कर रहे हैं कैमरे में. कैमरे, मान लीजिए किसी वजह से कैमरा ही नहीं चला, तो जितनी मेहनत करी गई थी सब जीरो पे पहुंच जाएगी. उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी क्वालिटी का कैमरा है, प्रोग्राम के हिसाब से क्वालिटी देखी जाती है. ठीक है, फिर लाइट्स. कैमरा ऑन है पर लाइट्स एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है. जहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ लो लाइट्स हैं, वेरी हाई लाइट्स आ गए, तो क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, प्रोग्राम में इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा. तो लाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और आपने देखा होगा हर एक चीज़ के लिए एक अलग सेटअप होता है, एक अलग लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं सेट्स पे. फिर आता है माइक्रोफोन, आवाज़ पहुंचना. जैसे मैंने भी लगाया हुआ है माइक्रोफोन, आप देख सकते हैं, कई तरह के 3 types ऑफ माइक्रोफोन्स आते हैं, जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था रेडियो वाले में. अभी आपको पता है कि अलग अलग तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं. अब मैं भी यूज़ कर रही हूँ, अगर ये माइक्रोफोन अच्छे से वर्क नहीं करेगा और मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली नहीं आएगी वीडियो में, तो वीडियो बेकार हो जाएगा. सेम चीज़ है, ये ध्यान रखा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे किस तरह की आवाज़ चाहिए, किस तरह के माइक्स यूज़ होंगे कि क्लैरिटी आए और प्रोग्राम लोगों को इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, इसमें माइक्रोफोन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. फिर आता है साउंड रिकॉर्डर. साउंड रिकॉर्डर मतलब आप देखते हैं कि कहीं से पीछे इफेक्ट्स आते रहते हैं. कभी जब प्रोग्राम चलता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं साउंड के, तो वो है, दैट इज़ कॉल्ड साउंड रिकॉर्डर. यहाँ आवाज़ निकल रही है पर जो कैप्चर हो रहा है वो कैसा है, सब मिल के कैसा लग रहा है. ये पूरा साउंड रिकॉर्डर जो है वो क्या करता है, पूरे साउंड को एक साथ आपको आप तक पहुँचाता है, बहुत सारी इफेक्ट्स को एक साथ मिला के जो आर्टिस्ट बोल रहे हैं, गा रहे हैं, वॉट एवर, उसको मिला करके एक अच्छा सा इफेक्ट दे के ऑडियंस तक पहुंचाता है साउंड रिकॉर्डर. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वीडियो टेप रिकॉर्डर. वीडियो टेप रिकॉर्डर मतलब सब चीज़ें आपने देखा होगा कभी किसी के मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जब पूरी मूवी बन चुकी है उसके बाद लास्ट में बैठ के एडिटिंग पार्ट जब चल रहा है तो देखा जा रहा है कि क्या क्या करा गया, उसमें आवाज़ भी है, पिक्चर भी चल रही है, डांस भी है, सब कुछ होता है. ठीक है, तो ये लास्ट चीज़ है वीडियो टेप रिकॉर्डर, जिसमें हर चीज़ आ जाती है और ये लास्ट स्टेज में इसको चेक किया जाता है कि क्या सब चीज़ सही जगह पे इस्तेमाल हुई है, कहीं से कोई साउंड एक्स्ट्रा ना हो, कहीं पे कोई स्टेप एक्स्ट्रा ना हो, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट नहीं आई हो, तो ये सब वीडियो टेप रिकॉर्डर का काम है. लास्ट है पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग मशीन. ये लास्ट मशीन है. यहाँ सब हो गया, यहाँ पे सब लग रहा है ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा आया है, सब बड़ा जैसा हम चाहते थे वैसा आ गया है. तो अब ये लास्ट जो है आपका पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग मशीन, ये
प्रोग्राम आप तक, एक ऑडियंस तक पेश करने से पहले यहाँ पे जाता है। जैसे मैं अभी वीडियो में बोल रही हूँ, मान लीजिए कोई गलती हो गई या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया है, तो वो इसको एडिट करेगा, ये जाके प्रोग्राम वहाँ पे मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ आके एडिट होगा। सेम चीज़ है पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग मशीन। रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया, अब जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके हटा दिया, क्योंकि वो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, कोई चीज़ मैंने कई बार बोल दिया, रिपीट हो गई है, तो वो भी हट जाएगी। सो काफ़ी कमाल की चीज़ है ये एडिटिंग मशीन। ठीक है, अब आप किसी भी एक चीज़ को, ये नमक मसाले की तरह है, तेल पानी सब है यहाँ पे, इसी की तरह से काम कर रहा है सब, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें से नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, सो इसकी सबकी अपनी अपनी ही पूरी इम्पोर्टेंस है। अगर आप कहें आंटी कोई बात नहीं, कैमरा नहीं है चल जाएगा, लाइट्स नहीं है चल जाएगा, कोई भी एक चीज़ को आप हटा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर वन। हम किसी को भी यहाँ पे हटा नहीं सकते। थैंक यू सो मच, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।